देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज पर रणनीति मसाला। राजनीति का एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं फिर हाजिर हूँ, प्राची तिवारी। जब भी किसी फर्श से अर्श पर पहुंचे नेता की बात की जाती है तो उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का नाम भी शुमार होता है। उत्तर प्रदेश में तो उन्हें धरती पुत्र तक की संज्ञा दी जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मुलायम सिंह से जुड़े एक नहीं बल्कि कई किस्से मशहूर हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ऐसा भी है जिसका राजनीति में आज भी जिक्र होता है। ये किस्सा काफी पुराना है। दरअसल बात उस वक्त की है जब मुलायम सिंह यादव ने मंच पर एक इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया था। दरअसल एक कवि मंच पर अपनी कविता पढ़ रहे थे, मगर ये इंस्पेक्टर उस कवि को उनकी कविता ही पढ़ने नहीं दे रहा था। बस फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव मंच पर पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्टर को उठाकर ही पटक दिया। ऐसा मुलायम सिंह यादव इसलिए कर पाए क्योंकि वो कभी दंगल के धाकड़ पहलवान हुआ करते थे। खुद मुलायम सिंह के पिता भी एक पहलवान थे, और तो और मुलायम अपनी पहलवानी की वजह से ही राजनीति में आए थे। दरअसल मुलायम सिंह के गुरु नत्थू सिंह ने मैनपुरी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में मुलायम सिंह को पहली बार देखा था और उस वक्त वो उनसे काफी प्रभावित हुए थे। बस फिर इसी दिन से मुलायम सिंह का राजनीतिक करियर शुरू हो गया। राजनीति में आने के बाद भी मुलायम अपनी पहलवानी के शौक को कुछ समय तक पूरा करते रहे। पहलवानी उनके खून में थी, वो खुद को पहलवानी करने से रोक नहीं पाते थे। शायद यही वो वजह थी कि जब पुलिस वाले ने मंच पर कवि को कविता पढ़ने से रोका तो मुलायम सिंह ने उस इंस्पेक्टर को ही मंच पर उठाकर पटक दिया। ये किस्सा उस वक्त तो मशहूर हुआ ही था, मगर आज भी जब जब मुलायम सिंह यादव की ताकत और हिम्मत पर सवाल उठाया जाता है तब इस किस्से का जिक्र हो ही जाता है। तो इस बार रणनीति मसाला में बस इतना ही। अगली बार राजनीति का एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।